नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स पर पुलिस का लाठीचार्ज, डॉक्टरों ने पूरी तरह से किया काम बंद। दलित पत्रकार मीना कोटवाल मनुस्मृति जलाने पर झेल रही हैं ऑनलाइन हेट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आपकी जीत, बीजेपी दूसरे स्थान पर। और देश के 21 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, कुल मामले बढ़कर 653 हुए। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर डॉक्टरों के आंदोलन और उनके ऊपर हुई पुलिस हिंसा की। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी को लेकर डॉक्टर्स ने सोमवार को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। हड़ताली डॉक्टर्स ने अपना मार्च सेंट्रल दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से शुरू किया। इस दौरान पीजी 2021 की काउंसलिंग जल्द करवाने को लेकर खूब नारेबाजी की गई। डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद डॉक्टर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए बड़ी तादाद में डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। हालांकि देर रात सभी को रिहा कर दिया गया। इस बीच डॉक्टर्स ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोर्डा की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में बर्बरता का दावा करते हुए इसे चिकित्सा बिरादरी के इतिहास में काला दिन कहा गया है। मेरा नाम डॉक्टर गोविंदा है, मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से हूँ। हम लोग एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंटली कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं सुनी। अब जाके इनको आवाज सुनाई दे रही है जब मारपीट की जा रही है महिला डॉक्टर्स के साथ। हम काफी 10-15 दिनों से ये मार्च निकाल रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स के लिए। ऑलमोस्ट नीट पीजी जो जनवरी में होना था वो पोस्टपोन होता गया और मार्च सितंबर में। अभी जो रिजल्ट आउट होने के बाद काउंसलिंग सितंबर से होने की बात थी, पर काउंसलिंग को क्या किया, पोस्टपोन करते करते अभी जनवरी 6 का डेट दिया गया। मेन एम ये था कि ये काउंसलिंग प्रोसीजर हो जाए और ये डॉक्टर्स जो घर पे बैठे 45,000 डॉक्टर्स घर पे है वो एडमिट वो यहाँ पे आके उनका करिकुलम जो स्टार्ट होना है वो स्टार्ट हो जाए। ऑलरेडी हम 6 महीने से ओवरवर्क्ड हैं। हमने सोचा था कि 6 महीने में गवर्नमेंट कुछ कर लेगी, ये एडमिशन प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन अब तक ये डिले हुआ। कल हम अपने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर वहाँ पे पुलिस ने मेन हैंडलिंग किया, बहुतों को लेकर गए डिटेन करने के लिए और बस में उठाकर दूसरे अलग अलग अस्पतालों अलग अलग पुलिस स्टेशन में लेकर गए। महिला पुलिस नहीं थी यहाँ पर, महिला डॉक्टर्स को पुरुष पुलिस कर्मियों ने पीटा है, उसके लिए हम कर रहे हैं। अभी इनको सुनना पड़ेगा, हमारी आवाज इन्हें अब सुननी पड़ेगी। जब हमने मना किया कि हम अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे, उन लोगों ने आके हमें कॉलर से पकड़ के लड़कियों को मेल पुलिस ने बालों से खींच के धक्के देके मैन हैंडल किया है और बस में भरा था, जबरदस्ती हमें भर के हमारे साथ वायलेंस की है। सारे प्रूफ्स हैं, सारे वीडियोस हैं जो सब बोलते हैं। This kind of barbaric treatment by our government, by our police is not expected against us COVID warriors who have dedicated our life to patient care. We are protesting here for the patient betterment of the patient care and the society, and in turn we are getting beaten up, and this is in a civilized society there is no place for this kind of behavior. क्या ये है हमारी इंडिया में, हमारी ये dignity है कि एक well educated fraternity को रोड पे आना पड़ रहा है एक normal चीज मांगने के लिए और ये मारपीट सहने के लिए? मरीज की मार खाओ, पुलिस की मार खाओ, हम educated people, हमारे भी parents है कि हमें इसलिए यहाँ पे भेजा गया है। हमारी एक मांग थी कि काउंसलिंग करा दिया जाए, अब हमारी दो मांगे, हमसे माफी मांगे। जो इज्जत इन्होंने हमें ऐसे कोरोना हो रही थी वो कहाँ गई जब हम पिट रहे थे, जब हमें मारा जा रहा था, हमें ले जाया जा रहा था, हमसे माफी मांगे। और जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, जो मैन हैंडल किया उन्हें सस्पेंड किया जाए और हमें काउंसलिंग की अर्ली डेट दे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए घोषणा की है कि आज मंगलवार से सभी स्वास्थ्य संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस वजह से दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, LNJP, अंबेडकर, GB पंत जैसे अस्पतालों में डॉक्टरों की तरफ से पूरी तरह काम बंद रखा गया है। बता दें कि पिछले एक महीने से दिल्ली और देश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग दिल्ली में कई दिनों से अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को एक मार्च रखा गया था, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। डॉक्टर्स अभी भी सफदरजंग में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। युवा दलित पत्रकार मीना कोटवाल को हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से ऑनलाइन हेट,
ट्रोलिंग और गालियों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि उन्होंने बीती 25 दिसंबर को विवादित और महिला विरोधी किताब मनुस्मृति की प्रति जलाई और प्रति जलाते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। मीना कोटवाल मूक नायक नाम से एक डिजिटल पोर्टल चलाती हैं जिसके 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो काफ़ी कम समय में पत्रकारिता जगत में अपना नाम बनाने वाली दलित महिला हैं। 25 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्होंने मनुस्मृति की प्रति जलाई थी और कहा था कि इस किताब से दलित और महिलाओं को बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं। इस किताब को 100 साल पहले अंबेडकर जी ने भी जलाया था। इसके बाद ही हिंदुत्ववादी संगठनों के पुरुष उनके पोस्ट पर भद्दी बातें और गालियां लिख रहे हैं, उन्हें फोन कर धमकियां दी जा रही हैं। बता दें कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। मीना कोटवाल का समर्थन राजद, भीम आर्मी जैसे संगठनों ने भी किया है। और अब बात पंजाब की। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सबसे ज़्यादा 14 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने आज अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। आपकी तरफ से डॉक्टर चरणजीत सिंह श्री चमकौर साहिब विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वही सीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे। इस सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी विधायक हैं। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर सबसे ज़्यादा रहा मगर उसे सिर्फ 8 सीटें मिली। वहीं 2016 में 26 में से 21 सीटें पाने वाली बीजेपी को इस बार की 35 सीटों में से सिर्फ 12 पर ही जीत मिल पाई। पहली बार नगर निगम चुनाव लड़कर सबसे ज़्यादा सीट पाने के बाद से आपके हौसले बुलंद हो गए हैं। आज आम आदमी पार्टी ने कुल 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिसके साथ अब 88 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। वहीं बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी लोक सेवा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में भी यूपी उत्तराखंड के साथ कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अंत में बात कोरोना की, ओमिक्रॉन की। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ओमिक्रॉन देश के 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कल सोमवार को ओमिक्रॉन के 75 मामले सामने आए और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। सबसे ज़्यादा 167 मामले महाराष्ट्र से आए जबकि दिल्ली में भी 165 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 28 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 6,358 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 293 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 6,450 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों में 385 मामले कम हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 142 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं जिनमें से करीब 72,87,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। तो आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। आप हमारी साइट पर विजिट कीजिए, YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। धन्यवाद।